पर रात में क्या करेंगे उसी पत्रिका खोलेंगे। स्वागत आपको में 25 जमा ही है ना, 25 महिला है तो सबके नाम भी पड़ेंगे क्योंकि हम फुर्सत में हैं। तो ये बाबा रात को क्या करता होगा, क्या करता होगा, फुर्सत में होगा ना। पर आजकल कोई लिखता ही नहीं, अजमाओ ये टोटका का कॉल करोगे बंटी सोने के लिए, भैया भाभरा का कीर्तन सफल हो गया। और जो लाइव देख रहे हो ना उनसे भी निवेदन है चिट्ठी पहुंचाओ, समय आ गया क्योंकि खाटू में इतनी भीड़ है कि जो ठिगने नाटे लोग होते हैं उनको तो बाबा ही नहीं दिखता और बाहर हो जाते हैं। मैंने तो देखे ही नहीं, दिखे ही नहीं मेरे को तो। कोई बात नहीं, उसने तुझे देख लिया है। तुमको एक चिट्ठी मैं लिख रहा हूँ, चिट्ठी का फौरन जवाब चाहिए। बोलो बोलो, जितने लोग यहाँ से कम होते जाए बाबा वो कंट्रोल का मैनेजर तू हो और हम झोला लेके नाचने लेने वाले हैं। इतना रख रहा बस बस, अब ये जितने जाए इनको कूपन के हिसाब से देना और हमको बिना कूपन के हिसाब से देना। कौन कौन है बिना कूपन से वाला है, तब घर में से जाना, जोत का टीका लगा के जाना, मुझे भी यहाँ से 5 घंटे का। चिट्ठी लिखने को सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है, जैसे सामने लिखते हैं सामने वाले का नाम लिख रहे हैं, किसको लिख रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। अभी हम किसको लिख रहे हैं तो पहले लिखेंगे एक घाटू के राजा, कौन है वहां का एक घाटू के राजा, आपके चरणों में मेरा कैसा लिखोगे, एक घाटू के राजा आपके चरणों में मेरा। पहले पहले चिट्ठी में प्रणाम लिखा रे, पहले चिट्ठी में प्रणाम लिखा रे, बात जरूरी है जो राम लिखा रे, बात जरूरी है जो राम लिखा रे। पहले पहले चिट्ठी में प्रणाम लिखा रे, पहले पहले चिट्ठी में राम लिखा है, बात जरूरी है जो। सेकंड लाइन में क्या आएगा, सबसे अच्छे स्कूल में भी लिखी होगी ना विषय, कब तक गरीबी के दिन में काटू, बोलो कब तक गरीबी के दिन में काटू, कब तक गरीबी के दिन में काटू, बोलो कब तक गरीबी के दिन में काटू। खाटू जान जाओ ना, एक बार खड़े हो दो। ये बंदा मेरा बचपन का दोस्त है पर पहली बार जिंदगी में गुर्दे बजा में बैठे हैं।
पहनाने वाला कौन? ऐसे दो दो चार चार हजार की जींस पहनता है। अरे बोले भूलते बजा में कौन पहनते हैं? घाटों में जाते हैं तो दो तरह के लोग दिखते हैं, एक तो गरीब गुरबे जैसा फटे हाल हाड़ी वाड़ी बड़ी होगी ऐसा इंसान, और दूसरा के जैसा या सब्जी नाल गुंडे बजाओ मेरे ऐसे दिखते ना, और ऊपर से एक चीज खुशबूदार इत्र से महे महे तो ये जिनकी महकाता है कि नहीं वहां पे, तो चिट्ठी में सबसे एक लिखा तब तक गरीबी के दिन में काटू, बोलो तब तक गरीबी के दिन में काटू, अब तो रईसो सारू बाप चाहिए, अब तो रईसो सारू बाप चाहिए। सोचते हुए बहुत सारे लोग जलते भी है बुरी गति के, ये जब देखो जब चूल्हे जैसा बनता है, छोटे बच्चे ये पूछते हैं कि बंटी भैया घर में भी ऐसे ही रहते हैं? कारण समझा दूं भैया, जिंदगी का भरोसा नहीं है, कितने अच्छे कर्म कर लिए, मैं कोरोना से मरा तो लास्ट को बच्चों ने भी हाथ नहीं लगाया, तो इस दुनिया में हम नहीं कह सकते। 14-15 साल तक तो मैं भी दूसरों के उतरे पुतरे कपड़े पहन के बड़ा होगा, अब तो रही सो सारू बाप चाहिए, बंटी जो भजन गाए वो यहाँ से और यहाँ से दोनों जगह से सुनोगे तो काम कर, बहुत सारे हो गए ना जिनके काम नहीं बनते घाटू में, तो हमारा बंदा फिर से जैसे जैसे चल जाता है, इतना तो पूरा काम कर लिया कहीं कहीं घाटू वालों वालों, हम बोल देते हैं ना, खुशियों के धोखे में डूबा रहा गम में, इस लाइन का मतलब समझो, एक एक भजन समझा के जाऊंगा। खुशियां ये मतलब ये कि हम घाटू जाएंगे तो शायद एक दिन अमीर हो जाएंगे या हम एक दिन सुखी हो जाएंगे, तो बाबा मैं ये चिट्ठी में ये लाइन इसलिए लिख रहा हूँ कि खुशियों के धोखे में तो मैं जी रहा हूँ, मेरे काम तो बन नहीं रहे, पर अगर तू सजा देना चाहता है तो पहले से परेशान हूँ, अब मत सजा दे, अब दे देना, अगले जन्म में खुशियों के धोखे में तुम्हारा गम में, देनी है सजा तो देना अगले जन्म में, देनी हो सजा तो देना अगले जन्म में। रात को 2 बजे कोई पागल नहीं होगी जो यहाँ बैठे हो, मैंने सजाए जो सुंदर सपने, मैंने सजाए जो सुंदर सपने, तुरे हकीकत वो बाप चाहिए, तुरे हकीकत वो बाप चाहिए, मैंने सजाए सुंदर जो सपने, सजाए सुंदर जो सपने, तुरे हकीकत वो
आगे क्या लिखना है भूपेन भाई भाई, भाई। ये भजन ऐसा तो लग रहा है कि नहीं लग रहा ऐसा तो लग रहा है लग रहा है ना अच्छा अच्छा अगली भी सुन लो दो भाई भाई करना से संतो मुझे देना इशारा रखना हमेशा मुझे बिल्कुल गवारा ये लाइन सुनो हम पाप करेंगे ऐसा कोई परिवार आपका भी होगा ऐसा कोई मिलने जुलने वाला होगा जिसके बच्चे या तो अनाथ हो गए होंगे या जिसके घर में विकलांग पैदा हो गया होगा किसी के घर में पागल हो गया होगा किसी के बच्चे की शादी नहीं हुई और बूढ़ा हो गया होगा तो हम हमारा मन पहले बोलते हैं कि पिछला जन्म का गाना कहीं गर्म कर जो इनकी सजा मिली थी ये बोलते हैं ना ये भी बोलना बंद करो तुम अपना ही देखो दूसरों का छोड़ो कुछ किसी के साथ कुछ भी बीते पर यहाँ डेढ़ श्याणा चिट्ठी लिख रहा है ना जो वो डेढ़ श्याणा बन के लिख रहा है क्या करना से संतो मुझे देना इशारा रखना हमेशा मुझे बिल्कुल गवारा शादी नहीं होगी बच्चे ही नहीं होंगे तो काय का झंझट में कौन से लोग ताने मारेंगे ये लिखने वाले ने लिख लिया है आप अपना काम लिखना अगली लाइन सुनो सुनो धुल जाए जीवन कैसा पाप सारे जाए जीवन पाप सारे अंतिम लाइन जरूर लिखना ज्यादा क्या लिखूं मैं बस समझो इशारा ज्यादा क्या लिखूं मैं बस समझो इशारा जो पहले चिट्ठी लिखते थे ना बहुत बड़ी चिट्ठी लिखने के बाद वो आखिर में लिखते थे कि अब बहुत ज्यादा क्या लिखूं अब अगली बार बात कर लूंगा तुमसे तो यहाँ भी अभी ज्यादा क्या लिखूं मैं बस समझो इशारा आखिर में लिखा प्रभु सेवक तुम्हारा सेवक तुम्हारा मतलब हमारा नाम नाम और हमारा पता जरूर लिखना क्या कहाँ से आए जी कहाँ से आई लिखते यही ना अब सुनो आखिरी बार बार हे मेरे श्याम बाबा एक चिट्ठी आपके नाम लिख दी है बस कृपा ये करना कि चिट्ठी आपके पास पहुंच जाए और पहुंचेगी खाटू मंदिर समिति को हम अगर खत लिख रहे हैं ना तो वो पहुंचती है लिख देना ये हमारी किस्मत की रात को 12-11 बजे जब मंदिर बंद हो बाबा भी हमारे जैसा फुर्सत में और हो सके वो चिट्ठी उठा ले आखिरी में लिख देना उसमें ये चिट्ठी आप तक पहुंचे प्रभु क्यों खाटू का इसमें लिखा पता है बोलो खाटू का इसमें लिखा पता है तुम तक पहुंचनी जरूर चाहिए तुम तक पहुंचनी जरूर चाहिए कितने लोग मेरे बाबा को चिट्ठियां लिख देंगे अभी होगा होगा लिख दोगे ना इतना देगा श्याम और रटता जाएगा श्याम तू रटता जाएगा अरे आंधिया रा जीवन साथे रटता जाएगा एक या दो भजन और सुना सकता हूँ